और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार पश्चिम से हवा चल रही है और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद बहुत जुझारू नेता सम्मानित नेता हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में आपसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। आप जीता तो पहले से ही रहे हैं, ये जीत तो पहले से ही रहे हैं। मैं केवल आपसे इतना निवेदन और अपील करने आया हूं कि इनकी जीत का फासला और बढ़ा देना। अभी तो लाखों से जीत रहे हैं, बताओ कई लाख से इनको जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया किरण पाल कश्यप जी, मुकेश चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, यहां के बहुत संघर्षशील कर्मठ जुझारू विधायक नौजवान साथी पंकज मलिक जी, और जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस सभा का संपन्न कर रहे हैं वो हमारे पार्टी के नेता शेर सिंह राणा जी की गहराइयों से बगल के बहुत ही संघर्षशील विधायक सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, मौलाना नजीर साहब, विनय पाल जी, सोमपाल सिंह जी, अंसार आरती जी, नौसाद अली साहब, रेहान जी, गौरव जैन, सत्यन त्यागी चेयरमैन, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी गुफरान कांग्रेस नेता, अली अब्बास काजमी जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले दिनों हमसे दूर हुए बहुत बड़े नेता जो राज्यसभा में भी सांसद रहे, जिनका हमें परिचय नहीं बताना है, आपके बीच के हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में समय समय पर अपनी कलम से अपनी आवाज से बात को पहुंचाते हैं। ऐसे साईं सिद्दीकी साहब भी आज समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में आ गए हैं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है, और जिस समय वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे तो हरेंद्र मलिक जी आपके बीच के हैं, यहीं पढ़े लिखे बढ़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे, लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था।
कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे, और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया था। आज जो कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की मदद करने का काम करती है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या ना जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जब पहुंचता था, ये थाने के लोग उससे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी जाती। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।